वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ प्लस टू क्लास। Today our topic is Krishna lifting Mount Govardhan. We will discuss about this painting. Which you are seeing on the screen. Painting आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। कृष्णा ने अपने हाथ पे पहाड़ को उठाया हुआ है। द नेम ऑफ द पेंटिंग इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। Artist is Miss Keen. The school is Akbar School. This is the painting of Akbar School and painted by the artist Miss Keen. Now the introduction of this painting. Name is Krishna lifting Mount Govardhan. Artist is Miss Keen. The school is Akbar School. This is the painting of Akbar School. Period is 1585 AD. This is the painting of the period of King Akbar. Medium is tempera watercolor on paper. Cottage means the source is the National Museum, New Delhi. Means the painting is now at the National Museum, New Delhi. Now we will discuss the subject matter of the painting, which is shown on the screen. This painting is based on the story of Lord Krishna. This painting's theme has been taken from the Bhagavad Purana. This painting's scene is of that time when Krishna once lifted the Govardhan mountain on his little finger to save the people of Gokul from the wrath of Indra, who had let loose heavy rains. This is about कि पिक्चर कहाँ से ली गई है, किस चीज के बारे में है, ये सब चीजें सब्जेक्ट मैटर में हमने डिस्कस की। ये पेंटिंग है जो वो लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी पे बेस्ड है और इसका थीम भगवत पुराण से लिया गया है।
ये उस समय का सीन दिखाया गया है जब श्री कृष्णा ने गोवर्धन माउंटेन को अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर उठाया था। गोकुल के लोगों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए, क्योंकि वो भारी बारिश उस समय कर रहे थे, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन माउंटेन को अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर उठाया था। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द पेंटिंग, द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग। इट इज एन अर्ली पेंटिंग ऑफ अकबर्स टाइम। इन दिस वर्टिकल पेंटिंग कृष्णा वॉज शोन लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन ऑन द लिटिल फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, अ बिग मल्टी कलर्ड माउंटेन विद डियर, मंकीज, ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रास हैज बीन पेंटेड। तो इस पिक्चर में इस पेंटिंग में श्री कृष्णा को गोवर्धन माउंटेन उठाते हुए दिखाया गया है, जो कि उन्होंने अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर उठाया था, और माउंटेन पे मल्टी कलर्ड पेंटिंग की गई है, और साथ में डियर, मंकीज, ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रास, ये सब चीजें भी उस पे पेंट की हुई हैं। पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी क्लियरली ऑन दिस पेंटिंग। द हैंडलिंग ऑफ द ह्यूज माउंटेन्स शोज पर्शियन इन्फ्लुएंस। इस पेंटिंग पे पर्शियन आर्ट का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है, और ये ह्यूज माउंटेन पर्शियन आर्ट के प्रभाव को दिखा रहा है। अंडर द माउंटेन ऑल ब्रिजवासी पीपल ऑफ ब्रिज हैव गैदर्ड विद देयर कैटल टू गेट शेल्टर from the deluge caused by the angry rain god Indra। इस पर्वत के नीचे सारे ब्रिजवासी इकट्ठे हुए खड़े हैं, जो के अपने आप को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ऑन द टॉप स्काई इज शोन विद ब्लू कलर। टॉप पे है जो स्काई ब्लू कलर में दिखाया गया है। इवन अंडर द माउंटेन डार्क ब्लू कलर स्काई इज शोन। और माउंटेन के नीचे भी डार्क ब्लू कलर में स्काई दिखाया गया है। लॉर्ड कृष्णा इज पेंटेड इन लार्ज साइज विराट रूप। लॉर्ड कृष्णा को उनके विराट रूप में दिखाया गया है।
Krishna is dressed in his pitambar deep yellow with a large garland of white flowers, standing in a relaxed posture, lifting the huge mountain effortlessly. और कृष्णा को जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे पेंटिंग पे देख रहे हैं, उनको पीतांबर में दिखाया गया है, जो डीप येलो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है विद अ लार्ज गार्लैंड ऑफ वाइट फ्लावर्स, और एक बड़ी वाइट फ्लावर्स की माला के साथ उनको दिखाया गया है, और वो ह्यूज माउंटेन को उठाए हुए रिलैक्स्ड पोस्चर में खड़े हैं। मोस्टली फिगर्स आर वन एंड हाफ आई विच इज ऑल्सो an influence of Persian art. और mostly जो figures इसमें दिखाई गई हैं वो one and half चश्मे, means उनकी एक आंख पूरी है जो picture में painting में दिख रही है, और दूसरी आंख half दिख रही है। means सारी figures साइड पोज में दिखाई गई हैं, प्रेजेंट की गई हैं, जो कि पर्शियन आर्ट का ही प्रभाव है। तो यहां पे भी एक बार फिर पर्शियन आर्ट का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। ऑन द राइट साइड ऑफ कृष्णा ट्री इज शोन इन ब्राइट ग्रीन कलर, और लॉर्ड कृष्णा के राइट साइड पे ब्राइट ग्रीन कलर में एक ट्री दिखाया गया है। इस पेंटिंग से रिलेटेड स्टोरी तो आपने टीवी पे भी देखी होगी और वैसे भी सुनी होगी। उसी स्टोरी को बताते हुए यह पेंटिंग बनाई गई है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी पेंटिंग और आर्ट इसमें दिख रही है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट्स ऑफ दैट टाइम। थैंक यू सब्सक्राइबर चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस सम मोर पेंटिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू।